हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओनली वन लाइफ टू लिव। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो है हमारा अबाउट अ ब्यूटिफुल वॉक इन नॉर्थ डेवन। वी टुक अ सर्कुलर वॉक अराउंड पेगी पॉइंट। नाउ वेयर इज दिस पेगी पॉइंट? दिस पेगी पॉइंट इज ऑन अ हिल एंड इट इज बिटवीन टू सी बीचेस। ऑन वन साइड इट हैज द क्रॉइड्स बीच एंड ऑन द अदर साइड इट हैज वेलेकम बीच। सो वी पार्क्ड अवर कार नियर द क्रॉइड्स बीच and we decided to take this around 7.2 kilometer long walk in an anti-clockwise direction. बीच बीच में आपको नेचर की कमेंट्री भी सुनाई देगी। ये है सफेद चोंच वाला कौवा। इस वॉक के इनिशियल वन एंड हाफ माइल वॉज इन टू द टाउन एंड इट वॉज नॉट अलॉन्ग द कोस्ट। और फिर शुरू हुई हमारी कोस्टल वॉक। इसके फर्स्ट गेट से ही हम लोग बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो गए बाय द व्यू। वी हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। इट वाज सो ब्यूटीफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बेगी पॉइंट की एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी है। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में जो अमेरिकन एयरफोर्स के सोल्जर्स थे, उन्होंने यहाँ पे आके रिहर्सल की थी फॉर द नॉर्मेंडी वॉर। और इसीलिए यहाँ पे डमी बंकर्स भी देखे जा सकते हैं। इस तरफ इसके वेलकम बीच है। हेलो प्रीति। यहाँ पे अलोंग द होल वॉक होल पाथ आपको बीच बीच में ऐसे बेंचेस मिलेंगे। यू कैन सिट ऑन देम इफ यू आर टायर्ड एंड यू कैन एंजॉय द सीनरी अराउंड। कहीं पे पतली पतली पगडंडी थी और कभी यहाँ पे एकदम फ्लैट प्लेट्यू आ जाता था। सो दिस वॉक वॉज नॉट स्ट्रेट बट इट हैड ऑल द डिफरेंट टेरेन्स। अच्छा, इसके बीच बीच में इस तरह के चार पांच गेट थे जो नेचर की लैंग्वेज में फटक थे। माय गॉड, हम दोनों को ये इतना एडवेंचर ट्रिप वाला एहसास दिला रहा था। हमने कभी भी इस तरह से सी को नहीं देखा था फ्रॉम सच अ हाइट। It was so open. ऐसे लग रहा था। बैगी पॉइंट पे कब्जा करने के लिए जाते हुए कमांडर प्रीति, अगला बैगी। Yes. We were just feeling like we were on the top of the world, you know. ये कमांडर प्रीति फटे खोलते हुए। और हमें लगा था कि हम बैगी पॉइंट पहुंच गए जब हमने इस पॉइंट को टच किया। बहुत ही प्यारा सीन था बट अनफॉर्चुनेटली दिस वॉज नॉट द बैगी पॉइंट। हमने वहां पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया, पिक्स क्लिक की और वहां से फिर हमें पता लगा अरे बैगी पॉइंट तो वो सामने है और अभी हमें और चलना है, वहां तक पहुंचना है। फाइनली हम चल दिए पैगी पॉइंट को फतेह करने। और ये पैगी पॉइंट जीत लिया। फीलिंग एक जीत की ही थी और इतना शानदार नजारा था वहां से, कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स।
एक फोटो तो लेनी बनती थी वैगी पॉइंट पे भी। और फिर वहां से हमने अपनी जर्नी वापसी की तरफ शुरू की।